नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा न्यूज़। आज हम आईकेट के डायरेक्टर सौरभ सर से आपकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि ईवी को लेकर जो सेमिनार आयोजित किया गया था, किस तरह की जानकारियां साझा की गई और आगे की प्लानिंग क्या है। सर, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ दलेला है, मैं डायरेक्टर आईकेट हूँ। सर, जिस तरीके से आज सेमिनार का आयोजन किया गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर, किस तरह की जानकारी साझा की गई लोगों के बीच? हम इस सेमिनार के थ्रू ये एक इकोसिस्टम के सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं और भारत सरकार की तरफ से, भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो ये बहुत सारी उद्घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो फेम हो चाहे पीएलआई हो, बेसिकली वो ये बताती हैं कि जो फ्यूचर है उसमें ईवी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो भारत में निर्माण का अपॉर्चुनिटी हो, चाहे रेगुलेशंस हों, चाहे एकेडमिया का इंटरफेरेंस हो या इंटरवेंशन हो, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि समय कम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने एक उद्घोषणा की है COP26 में, जिसका पहला पड़ाव 2030 में है, तो 2030 तो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। तो हम सबको अब उस 2030 की चुनौतियों को हासिल करना है। इन चुनौतियों का आप किस तरीके से हासिल करेंगे? बीच में काफ़ी सारे ठहराव भी आएंगे, रुकाव भी आएंगे और बीच में कठिनाइयां भी आएंगी। पीछे जो कीमतें बढ़ी उसको लेकर भी, डीजल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी, क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में ईवी का रोल अहम हो पाएगा? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जितनी चुनौतियाँ ज़्यादा आएँ उतने ही सॉल्यूशंस ज़्यादा आते हैं। अगर चुनौतियाँ कम आएंगी तो हो सकता है कि हम कोई चीज़ मिस कर रहे हों। जैसे कि हमने लास्ट कुछ वर्षों में ईवी बहुत सारे लॉन्च किए हैं और हमें कुछ चुनौतियाँ मिली हैं और उसके आधार पर हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे हैं और हमने इस यात्रा के माध्यम से ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जागरूकता की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर फेल होगी तो उसमें अग्नि के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थर्मल केसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सीखने वाली चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इवन मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हब होने वाला है, जो कि मैं मानता हूँ कि रहेगा। तो इस विषय में सेफ्टी जो है वो कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, तो इस चीज़ को समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर किसी तरह के कैंपेन चलाए जाएंगे, किसी तरह के कोई जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे कि इस तरह की जागरूकता लोगों के बीच, आम लोगों के बीच पहुंच सके? ये जो इवेंट है, और इस तरह के हम बहुत सारे इवेंट्स और भी कर रहे हैं, इसका अहम जो रीज़न है जिस वजह से हम कर रहे हैं वो यही है कि हम सबको साथ ला पाएँ और सबको ये जागरूकता बढ़ा सकें। हम इस तरह के और भी इवेंट्स करने वाले हैं अभी और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हम आईकेट हैं, हम एक रेगुलेटर हैं या लेटर से हम एक सर्टिफायर हैं, लेकिन हम अपनी भूमिका उस तरह से निभाना अकेले नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों में जागरूकता बढ़े, हम चाहते हैं कि वो दिन आए जब सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ही ना बचे हिंदुस्तान में। तो उसके लिए, पहुंचने के लिए जागरूकता बढ़ाना और हर चीज़ क्यों हो रही है वो समझाना बहुत आवश्यक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में बातचीत करते रहेंगे सब चीज़ों का, सब चुनौतियों के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बातचीत ज़रूरी है और ये इवेंट्स इसी बात के माध्यम है। रोज़गार के अवसर किस तरीके से इसमें पैदा किए जाएंगे, किस किस फील्ड में इसमें रोज़गार मिल सकेगा? देखिए, 14,000 करोड़ का निवेश भारी उद्योग मंत्रालय का, उसके बाद पीएलआई में निवेश है, उसके बाद जो आरएनडी का हम अगले 5-7 साल में देखने जा रहे हैं वो करीब 10,000 करोड़ का निवेश है। तो इतने हाई लेवल के जो निवेश हो रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ग्रोथ भारत को दे रहे हैं। और वो कैसे दे रहे हैं कि इस एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से और इस के बाद के माध्यम से कि हम अब हर ईवी जो क्रिएट करेंगे भारत में वो हिंदुस्तान के लिए डिज़ाइंड होगी। वो ऐसा नहीं है कि हमने किसी विदेश कंट्री से चीज़ें लाए, असेंबल किया और फिर कहा अरे साहब यहाँ तो धूल बहुत होती है, यहाँ तो गर्मी बहुत होती है, यहाँ तो सड़कें ठीक नहीं हैं, यहाँ के तो सस्पेंशन नहीं चलेगा। ये चीज़ सीखते सीखते सबकी ज़िंदगी निकल जाती है और हम सीखते चले जाते हैं। बनस्पत इसके हम यहाँ पर गाड़ियाँ इस बार डिज़ाइन करने वाले हैं
और भारत सरकार का ये बहुत मेजर इनिशिएटिव है और बहुत फोकस एरिया है। मेक इन इंडिया का जो स्पिरिट है वो यही है कि आप भारत में डिज़ाइन करें, भारत के लिए डिज़ाइन करें, और अगर कोई भी चीज़ भारत में चलेगी तो वो वर्ल्ड में कहीं भी चल सकती है। इसका उल्टा ट्रू नहीं है, जो वर्ल्ड में चीज़ें चलती हैं वो भारत में आके फेल होती है, लेकिन उल्टा अगर भारत के लिए बने और भारत में हम बनाएं और वर्ल्ड को दें तो कोई फेलियर नहीं होगा। कोई सार्थक मैसेज को डिलीवर करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल एक उद्घोषणा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में COP26 की हुई है, पंचामृत की उद्घोषणा हम लोग बोलते हैं, जिसका पहला पड़ाव 2030 में है, और इसमें जो माइलस्टोन हासिल करने हैं वो भी हो चुके हैं क्लियर, और जो टाइम है वो भी क्लियर हो चुका है। मैं बस सब लोगों से विनम्रतापूर्वक बस यही कहना चाहता हूँ कि इस चुनौती को हम स्वीकार करें और इसको हासिल करें। सब लोग मिलके अगर जुट जाएंगे तो हम हासिल कर भी लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सौरभ सर, जिन्होंने बताया कि ईवी को लेकर किस तरह के जागरूकता सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, ईवी को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से जो भारत सरकार है वो भी निरंतर प्रयासरत है, रोज़गार के भी अवसर पैदा होंगे और भारत भी आगे बढ़ेगा। और भी लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।